हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि Paytm से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तो आपको कैशबैक किस प्रकार से मिलेगा। दोस्तों, Paytm से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो एक चीज़ का बहुत बड़ा यहाँ पर हाथ होता है आपको कैशबैक दिलाने में, तो वो चीज़ कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपको मैं जो है प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि कैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, और उसके बाद में दोस्तों जो हमें कैशबैक मिलेगा तो वहाँ पर आपको कैशबैक कितना मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो आप यहाँ पर इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको जो लोगो दिखाई दे रहा है इस साइड में, तो इस लोगो पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर मिडल में कैशबैक एंड ऑफर्स ये ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स ऑफर पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों नीचे हमें देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट से रिलेटेड ऑफर, देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे अकाउंट में ये ऑफर मिला है कि मुझे 100 रुपीज़ तक का कैशबैक मिलने वाला है अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ पेटीएम से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये ऑफर यहाँ पर ज़रूर से चेक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी क्या कंडीशन है, तो ये भी हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है, इसके रूल्स क्या है, तभी तो हमें कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सारे रूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो रूल्स तो एक ही दोस्तों, यहाँ पर मेजर रूल तो एक ही है कि हमें 100 रुपीज़ से ज़्यादा का पेमेंट करना है, यानी कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा का ही हमारा बिल होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, तभी हमें कैशबैक मिलेगा। तो अगर आपको दोस्तों ये कैशबैक ऑफर मिला है तो आपको 100% यहाँ पर जो है कैशबैक मिलने वाला है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, कम ज़्यादा कैशबैक यहाँ पर आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपीज़ का ही मिलेगा। तो चलिए बैक आते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको स्क्रैच कार्ड मिलने वाला है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा, और स्क्रैच कार्ड में अप टू 100 रुपीज़ अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कैसे करना है। तो हम बैक आ जाएंगे, तो हमें यहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब यहां पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, अगर आप पहली बार बिल पे कर रहे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अब सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपका जो है स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि लोकेशन यहां से सेलेक्ट करना है, तो मेरा लोकेशन है महाराष्ट्र। अब यहां पर दोस्तों हमें बोर्ड सेलेक्ट करना है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे दोस्तों आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा कि आपका बोर्ड कौन सा है। तो मेरा वाला तो ये बोर्ड है, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, महावितरण को सेलेक्ट करूंगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहां पर हमें सब डिवीजन सेलेक्ट करना है। अब देखिए, आपके नज़दीकी शहर को यहाँ से आप यहाँ पर जो है सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने अपने नज़दीकी शहर का नाम यहाँ पर सर्च बार में डाल दिया तो यहाँ पर ये आ चुका है जाफराबाद, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। वैसे दोस्तों अगर आप गलत भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो और कंज्यूमर नंबर आप डाल देते हो तो आपको ये सब डिवीजन गलत बताएगा, तो आप सब डिवीजन दूसरा सेलेक्ट कीजिएगा, दूसरा आपका नज़दीकी शहर सेलेक्ट कीजिएगा। अब दोस्तों कंज्यूमर नंबर यानी कि ग्राहक नंबर होता है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आपको ईजिली मिल जाएगा, तो वही आपको कंज्यूमर नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। और डालने के बाद में यहाँ पर हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बिल की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, कनेक्शन किसके नाम से है, तो यहाँ पर आपको नेम दिखाया जाएगा, फिलहाल तो मैंने इसको ब्लर किया है, ठीक है, तो इससे आप यहाँ पर जो है कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमें सिंपली पे पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, फिलहाल तो मैं पेटीएम बैलेंस से ही पे करूँगा, और अगर आप UPI से करना चाहते हो तो UPI सेलेक्ट करेंगे, और फाइनली यहाँ पर हमें पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हमने सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर दिया है। अब कैशबैक हमें कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो हमें थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कैशबैक ऑप्शन, तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा एक, तो स्क्रैच कार्ड पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इसको स्क्रैच करना है, देख सकते हो स्क्रैच कर दिया मैंने, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 5 रुपीज़ का कैशबैक यहाँ पर मिल चुका है। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी कम मिला है, लेकिन आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, और हो सकता है कि आपको भी इतना ही मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे करने से, यानी कि पेटीएम से पे करने पर यहाँ पर कैशबैक मिल रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है, बुरी बात तो है नहीं। अब दोस्तों आपका सवाल होगा कि भाई ये कैशबैक तो हमें मिला है लेकिन ये कहाँ पर जाएगा, तो वो जाएगा दोस्तों पेटीएम वॉलेट में। जी हाँ, तो पेटीएम वॉलेट में हम जाएंगे, तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि जो हमें कैशबैक मिला है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने से, तो ये हमें अपने पेटीएम वॉलेट में मिल चुका है, देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ आपके सामने दिखाया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने पे, यानी कि पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने से कैशबैक कैसे मिलता है,
क्या क्या चीज़ें इसको इफेक्ट करती है, कितना कितना कैशबैक मिल सकता है और कितना कैशबैक मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम मिलेंगे अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।